न्यू शोभापुर तिराहे पर स्थित हनुमान मंदिर में लगी स्टील की ग्रिल चोरी हो जाने से खफा लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर माल जब्त करने की मांग की। लोगों का कहना है कि वे थाने में इसकी शिकायत करने गए थे, लेकिन पुलिस ने मंदिर को अतिक्रमण बताते हुए कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे लोगों का आक्रोश और भड़क उठा। लोगों का कहना है कि मंदिर में महिलाओं ने पैसे इकट्ठे कर ग्रिल लगवाई थी और मंदिर अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता, बल्कि 100 साल पुराना है, लिहाजा जल्द से जल्द कार्रवाई कर चोरों को पकड़ा जाए। 20/1/2024 को हमारा हनुमान जी का मंदिर था, जिसमें माताओं ने एक स्टील की ग्रिल लगवाई थी, जिसको अज्ञात चोरों ने 20 तारीख की रात में लेके चले गए। और आज कम से कम 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन से उस स्टील की चोरी का पता ही नहीं चल पाया। TI साहब और CSP साहब के पास भी गए थे, उन्होंने बताया कि इसके पूर्व व्हीकल प्रशासन ने वहाँ पे अतिक्रमण बोल के कार्रवाई की थी, जबकि अतिक्रमण का कोई विषय ही नहीं था, क्योंकि वो मंदिर लगभग 100 साल पुराना मंदिर था और व्हीकल ने जब अतिक्रमण किया था तो उसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी थी। सूचना नहीं देने के बाद भी अतिक्रमण किया, लोगों ने उसके बाद भी कुछ नहीं बोला, पर माताओं ने अपने पैसे से मिला के 40-45 लगभग 1000 का एक स्टील की ग्रिल लगवाई थी, जिसको अज्ञात चोरों ने 20 तारीख की रात में लेके चले गए। माननीय TI महोदय से भी बात करें, हम लोग रांची में आवेदन दिया, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन हम लोग का ये मिला कि हम लोग रांची TI साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला हम व्हीकल वालों से बात करते, व्हीकल की मैडम साहब बोल दी कि हमारे पास मंदिर नहीं है, ये मंदिर हमने ही नहीं लेके जा, हम चाहते हैं इसमें चोरी की कार्रवाई हो और तत्काल चोर को पकड़ा जाए, क्योंकि वो रोड से 40 फीट की दूरी पे मंदिर है। हम ये चाहते हैं SP साहब महोदय जी से निवेदन करने आए, DSP साहब से मिले कि तत्काल चोर को पकड़ के और हमारा सामान वापस करके पुनः उसको तुरंत कार्रवाई करवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल, इंडिया न्यूज।